नमस्कार, मेरा नाम है आसिफ असरार और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। क्या बिहार में महागठबंधन की सरकार गिराने के बाद अब भाजपा की नज़र झारखंड पर है? क्योंकि आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दिल्ली स्थित आवास पर ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं। ईडी के साथ ही दिल्ली पुलिस भी आवास पर पहुंची है। खबर है कि सीएम हेमंत सोरेन वहां नहीं मिले। बता दें कि 27 जनवरी की शाम हेमंत सोरेन अचानक अपने चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली पहुंचे थे। ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ को लेकर 10वां समन भेजा था, जिसका जवाब सीएम हेमंत सोरेन ने नहीं दिया था। ईडी वर्सेज हेमंत सोरेन के इस मैच में कई सारी अटकलबाजी भी हुई। एक अटकलबाजी ये कि भाजपा ईडी के मातहत हेमंत सोरेन पर दबाव बनाना चाह रही है, ताकि हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन को तोड़कर एनडीए के साथ चले जाएं। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि जेएमएम और भाजपा एक साथ, ये कैसे हो सकता है भला? तो मैं आपको बता दूं कि पहले भी जेएमएम और भाजपा झारखंड में एक साथ मिलकर सरकार चला चुके हैं। साल था 2009 में भाजपा के सहयोग से सीबू सोरेन की सरकार बनी, जो लगभग 5 महीने तक चली। 31 मई 2010 को गिर गई। इसके बाद राज्य में 1 जून 2010 से 10 सितंबर 2010 तक दोबारा राष्ट्रपति शासन लगा। फिर भाजपा और झामुमो के सहयोग से तीसरी बार अर्जुन मुंडा ने सीएम पद की शपथ ली। राज्य में राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही थी, राष्ट्रपति शासन भी लग रहा था। हालात ऐसे बदले कि जिस झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कभी यूपीए यानी कि कांग्रेस और राजद के साथ मिलकर राज्य में सरकार बनाई थी, सीबू सोरेन मुख्यमंत्री बने थे। बाद में झामुमो और कांग्रेस और राजद के सहयोग से मधु कोड़ा मुख्यमंत्री बने थे। उसी झामुमो ने भाजपा का दामन थाम लिया। सितंबर 2010 में अर्जुन मुंडा की सरकार बनी और उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा शामिल हुआ। हेमंत सोरेन उप मुख्यमंत्री बनाए गए। बाद में दोनों में तालमेल गड़बड़ाया और सरकार चली गई। राष्ट्रपति शासन के बाद हेमंत सोरेन यूपीए के सहयोग से मुख्यमंत्री बने। साल 2014 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो इसमें अस्थाई सरकार को मुद्दा बनाया गया। पहली बार राज्य में बहुमत की सरकार बनी, रघुवर दास मुख्यमंत्री बने। यह पहला मौका था जब झारखंड में कोई गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बना और 2014 का चुनाव निर्णायक चुनाव था। राज्य की जनता 14 सालों की उठापटक से इतना नाराज और परेशान हो गई थी कि उसने झारखंड के कई दिग्गजों को हरा दिया। जो चुनाव हारे उसमें पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक सीट पर जीते और एक सीट पर हारे थे, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो भी थे। झारखंड को बने 24 साल हो गए हैं। बीते 24 सालों में भाजपा करीब 13 साल तक सत्ता में रही। झामुमो के पास वर्तमान कार्यकाल को मिलाकर सत्ता की बागडोर करीब 7 साल से है। कांग्रेस के सहयोग से मधु कोड़ा ने 1 साल 11 माह तक शासन किया, जबकि राज्य में करीब 1 साल 9 माह तक राष्ट्रपति शासन रहा। गौर करने वाली बात यह है कि अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में 11 सितंबर 2010 को बनी सरकार में हेमंत सोरेन बतौर डिप्टी सीएम थे। इससे पहले झामुमो ने भाजपा के सहयोग से करीब 7 माह तक शासन किया था। चूंकि 3 बार जब राष्ट्रपति शासन लगा तो केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार थी। साल 2014 के चुनावी नतीजों ने झारखंड को राजनीतिक अस्थिरता से बाहर निकाल दिया। रघुवर दास 2014 से 2019 तक 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले भाजपा के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बने। लेकिन दिसंबर 2019 में चौथी बार हुए विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन सबसे बड़े नेता बनकर उभरे। उन्होंने कांग्रेस और राजद के सहयोग से सरकार बनाई। वे झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 4 साल का कार्यकाल पूरा किया है। लेकिन फिलहाल उनके और ईडी के बीच खींचतान चल रही है। अब देखना यही है कि वह अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाते हैं या नहीं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए thefourthpillar.news। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।